हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम लोग फर्स्ट और सेकंड मई का करंट अफेयर्स देखेंगे। और देखिए, हमेशा ये जो करंट अफेयर्स का सेशन आएगा आपको एवरी डे सुबह के 8 बजे आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो देखना इसे ना भूलें 8 बजे के सुबह में। और आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में पढ़ेंगे। अवार्ड्स और ऑनर्स में पहला जो अवार्ड्स और ऑनर्स है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक, ये दिया गया है पुलेला गोपीचंद को हाल ही में, कुछ दिन पहले। दूसरा है फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजरी ऑफ गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया का एडवाइजरी किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है शिखा शर्मा, रामा सुब्रमण्यम, गांधी, समीर निगम, विजय शेखर शर्मा, महेंद्र नेडुकर। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जो है पहले एक्सिस बैंक के CEO रह चुकी हैं और ने हाल ही में गूगल पे इंडिया का एडवाइजर नियुक्त किया गया है। रामा सुब्रमण्यम गांधी ये डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इन्हें अपॉइंट किया गया है पेटीएम का एडवाइजर। समीर निगम जो है ये फाउंडर हैं फोन पे के, और विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के CEO और फाउंडर हैं। महेंद्र नेरुकर जो हैं ये हैं CEO हैं अमेजन पे इंडिया के। ओके, तो आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द निकी एशिया प्राइज 2020 इन द कैटेगरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे निकी एशिया प्राइज 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है? ऑप्शन है राम प्रसाद कडेल, तल्लापेल प्रदीप, एंथोनी टैन होंग लिंग और ननबदीश। तो ये भारत की तरफ से किसे चूज किया गया ये देखते हैं। तो करेक्ट आंसर है तल्लापेल प्रदीप जो है ये IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं और इन्हें निक्की एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। ओके, और ये जो प्राइज है किसको दिया, ही वुड बी ऑनर्ड विद द प्राइज फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन द नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर। इनको ये किसमें दिया जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्योरिफिकेशन। कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर ऑफ द प्राइज, ठीक है, और अदर जो इसमें है, इसमें कौन कौन से होंगे इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए, तो अदर में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में के जो प्रोफेसर हैं वो हैं प्रोफेसर तालिब प्रदीप, इनको इंडिया से चुना गया है। दूसरे जो हैं वो हैं कल्चर एंड कम्युनिटी के लिए राम प्रसाद कडेल, जो दूसरे ऑप्शन है उसमें राम प्रसाद कडेल जो है इनको कल्चर और कम्युनिटी के लिए दिया गया है और ये नेपाल से हैं। इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन के लिए एंथोनी टैन एंड टैन होंग हुई लैंग। एंथोनी टैन जो है मलेशिया और टैन होंग लिंग जो है ये दोनों मलेशिया से हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिला है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन के लिए। आते हैं आगे, Who has been conferred as Order of Rising Sun by Japan? किसे Order of Rising Sun जापान के द्वारा चुना गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है तांगजम दबाली सिंह, वी प्रवीण राव, राजेश चैपलॉट, जोया अख्तर और जादव पाइंग। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, करेक्ट आंसर है तांगजम दबाली सिंह। ये जो है ये जो प्राइज है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इस 1875 में मनाया गया था बाय एम्पायर मेजी के द्वारा, वहाँ के राजा थे। द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट नेशनल डेकोरेशन अवार्ड बाय जापानीज गवर्नमेंट क्रिएटेड ऑन 10 अप्रैल 1875 को बना था काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा। ये इसमें जो होता है जो बैच मिलता है, फीचर रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम राइजिंग सन, जो सूर्य का हम लोग देखते हैं प्रकाश वाला जो बैच देखते हैं उस तरह से कहीं ये बनाया गया है।
अब देखिए, वी प्रवीण राव जो है इन्हें मिला है वी एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। वी प्रवीण राव को जो मिला है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। राजेश चैपलर जो है इनको उगांडा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। उगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है ये इन्हें मिलाया गया है। जोया अख्तर जो है जोया अख्तर को मिला है IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। और जादव पयेंग को मिला है 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विनर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च विकास आभा लोन स्कीम टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए किस बैंक ने विकास आभा लोन योजना का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, दूसरा है वडोदरा ग्रामीण बैंक, तीसरा है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक और चौथा है कावेरी ग्रामीण बैंक और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऐसा बैंक है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने ये विकास आभा लोन स्कीम लॉन्च किया है। कर्नाटका विकास ग्रामीण ने ये लोन लॉन्च किया है माइक्रो और स्मॉल जो मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको रिलीफ के लिए, उनको लोन प्रदान करने के लिए, ताकि इस COVID-19 से जो लोग कई सारे बिजनेसेस जो हैं डिस्टर्ब हो चुके हैं उसके उसके उसमें तेजी आ सके और वो काम कर सके सही ढंग से। ठीक है, अब कर्नाटका विकास ग्रामीण का जो हेडक्वार्टर है वो है धारवाड़ में है, जो कर्नाटका में है। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का के जो चेयरमैन है वो पी गोपी कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर समिट 2020 वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री? देखिए, अभी जो G20 समिट पहले जो होता था ये सभी वहां पे एक जगह लीडर्स जाते थे और वहां पे ये प्रोग्राम होता था, ये समिट होता था। लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से, COVID-19 की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने समिट हो रहे हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं तो वो उसी कंट्री के पास रहेगा जिस कंट्री के पास पहले प्रेसिडेंसी थी। तो ये जो प्रेसिडेंसी है किस कंट्री के पास है, ठीक है? और ये हाल ही में इकोनॉमिक के ऊपर किया गया था। तो ऑप्शन है इंडिया, सऊदी अरबिया, ब्राजील, फ्रांस, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरबिया। देखिए, इसमें वर्चुअल G20 समिट जो हुआ इस अभी हाल ही में सऊदी अरबिया, देखिए इसमें ये याद रखना है कि सऊदी अरबिया के पास इसका क्या था कि प्रेसिडेंसी था। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी श्री रवि शंकर प्रसाद प्रेजेंटेड इंडिया इन द वर्चुअल समिट। तो ये आपको याद, वर्चुअल समिट, इसमें आपको ये याद रखना है कि इस वर्चुअल समिट में इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने वाले थे वो हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि इसमें कितने कंट्री जाते हैं, तो ग्रुप ऑफ 20, G20 करने का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 20। तो ये जो प्रीमियर फोरम है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन विच ब्रिंग्स टूगेदर द लीडर्स ऑफ बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम एवरी कंटिनेंट। हर कंटिनेंट से डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है, ठीक है, ताकि वो लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकें। G20 के जो मेंबर्स हैं वो हैं अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरबिया है, साउथ अफ्रीका है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, टर्की है, द यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड स्टेट है एंड यूरोपियन यूनियन है। हैशटैग वी विल विन कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हैशटैग वी विल कैंपेन जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है? फीफा, बीसीसीआई, बीएफआई, आईसीसी, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, HFI। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है ये देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन।
इन्होंने ये लॉन्च किया है वी विल विन थ्रू कम दिस कंपेन फीफा ट्रिब्यूट्स अ वीडियो स्पेशल वीडियो टू द हेल्थ वर्कर्स। देखिए ये हेल्थ वर्कर्स को ट्रिब्यूट करने के ट्रिब्यूट है एक तरह से, अदर प्रोफेशनल हु इंश्योर द सोसाइटी टू कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन बाइचिंग भूटिया हु इज ऑल्सो फीचर्ड अमंग 50 पास्ट एंड प्रेजेंट फुटबॉल स्टार। तो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट जो करेंगे वो हैं बाइचिंग भूटिया। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं गेनी इन्फेंटिनो। फीफा का फाउंडेशन जो हुआ था 21 मई 1904 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हेमा वडाली पास्ड अवे, सी वॉज हेमा वडाली का भी हाल ही में निधन हो गया, वी क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम फाइटर, दूसरा ऑप्शन है एक्टर्स थी, तीसरा ऑप्शन है पॉलिटिशियन थी, चौथा ऑप्शन है म्यूजिशियन थी, और पांचवा नैन ऑफ दी। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीडम फाइटर, ये एक फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइट इन्हें हेमा वडाली को अभी हाल ही कुछ समय पहले पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, और ये गांधीयन नेचर की थी, अहिंसा में विश्वास रखती थी, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 101 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है और निधन हुआ है। और ये फ्रीडम फाइटर के अलावा एक्टिविस्ट भी थी, सोशल वर्कर भी थी और सर्वोदय लीडर भी थी। सी वॉज बॉर्न इन आसाम, ये आसाम की रहने वाली थी और इनका जन्म जो हुआ था 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर चुनी गोस्वामी पास्ट अवे रिसेंटली, मिस्टर चुनी गोस्वामी जो हैं ये रिसेंटली इनका निधन हो गया, ये एक फेमस क्या थे ये बताना है, क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, हॉकी प्लेयर थे, बॉक्सर थे या पॉलिटिशियन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये फुटबॉलर थे, इसके अलावा ये क्रिकेट भी खेलते थे। ये चुन्नी गोस्वामी जी हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 1962 में एशियन गोल्ड 1962 में, और ये कैप्टन रह चुके हैं इंडिया फुटबॉल टीम के, और 1962 में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन्होंने 1962 में जीता है। अंडर हिज कैप्टनशिप इंडिया फिनिश अ रनर अप एट द एशियन कप इन 1964, 1964 में ये रनर अप भी रह चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेम द स्पेशल रेल सर्विस रन बाई रेलवे टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स, स्टूडेंट्स एंड अदर स्ट्रैंडेड बाई द नेशन वाइड लॉकडाउन बैक टू देयर स्टेट। अभी मैं हाल ही ने रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाया है जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो टूरिस्ट हैं यानी पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं और अदर जो भी हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से अलग अलग शहरों में फंस चुके हैं, तो उनको लाने के लिए। तो ऑप्शन है श्रमिक स्पेशल, माइग्रेंट स्पेशल, कोविड स्पेशल, कोविड पार्सल, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रमिक स्पेशल, ये फर्स्ट श्रमिक के ट्रेन जो है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और टूरिस्ट पिलग्रिम्स और स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया, जिसमें 1200 पैसेंजर को एक साथ लिया गया है। और ये जो ट्रेन चली है ये तेलंगाना से चली है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, लिंगापल्ली तेलंगाना से हटिया तक चली है और ऐसे 6 ट्रेनें चली हैं। ऐसे कितनी ट्रेनें हैं? 6 ट्रेनें चली हैं, ठीक है। ये जो डिसीजन लिया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अलाउ किया गया गाइडलाइंस, रूटीन पैसेंजर ट्रेन है रिमेन सस्पेंडेड, जो डेली पैसेंजर ट्रेन है उनको अभी सस्पेंड रखा गया है कि ऑलमोस्ट 40 डेज इन अ वे टू, अभी लगभग 40 दिनों तक ये सब बंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर फीड कफ हर्ट अवार्ड, फीड कफ हर्ट अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? ऑप्शन है साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, ज्वाला गुट्टा, रोहन बुपाना। तो इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। देखिए सानिया मिर्जा आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, और इन्होंने हाल ही में
कुछ साल पहले फिर कमबैक किया है, ठीक है। तो इन्हें फेड का हार्ट अवार्ड फॉर द एशिया, ये ओशियनिक जोन से दिया जाता है, जोन द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है सानिया मिर्जा को, ये फर्स्ट ऐसा इंडियन प्लेयर है जिन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। और इन्होंने सॉरी सी रिसेंटली मेड अ कमबैक टू फेड कप टेनिस आफ्टर 4 ईयर्स। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया था, बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर हैं। और 4 साल के बाद इन्होंने कमबैक किया था विद हर 18 ईयर सन इजहान प्रेजेंट इन द स्टैंड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया इन द फिनेंशियल ईयर 21, FY फिजिकल ईयर 2021 में इंडिया के जीडीपी कितनी हो जाएगी एज पर क्रिसिल। ये जो हम लोग डेटा बोल रहे हैं बाय एज पर क्रिसिल, ठीक है, एज पर क्रिसिल रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी। तो भारत के ऑप्शंस है आपके पास 1.9%, 1.7%, 1.8%, 2.0%, 1.5%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1.8%। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया की जो जीडीपी हो जाएगी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.8% होगी, जो कि काफ़ी ही बुरी है। इस यदि 1 पॉइंट कहा जाता है कि यदि 3% से कम जीडीपी हो गया तो लोगों में बेरोजगारी आ जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, बहुत भुखमरी आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और 1.8% मतलब तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी वर्स जीडीपी हो जाएगी और लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। देखते हैं आगे चीज़ें क्या हैं। तो हाल ही में क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने बोला था कि इंडिया की जो जीडीपी हो जाएगी 1.8% हो जाएगी इस फिस्कल में, और 2022 तक ये वी शेप्ड रिकवरी एट 7% रियल जीडीपी ग्रोथ। अब ये वी शेप्ड क्या होता है कि देखिए अभी तो जीडीपी जितना है वो पूरा ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो एक स्टेज पे आएगा, मान लीजिए कि 1.8% वाला जीडीपी ये है, तो 1.8% से ये धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू होगा, तो ऐसे जाएगा। तो ये जो 7% यहाँ पे था, तो ये 7% यदि जीडीपी यहाँ पे था तो 7% यहाँ पे होगा। तो इसको बोलते हैं वी शेप्ड जीडीपी, मतलब ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, लेकिन ये कहना है, ये कृषि का कहना है। और ये इसलिए है यदि लोगों, ये पेंडेमिक यदि खत्म नहीं हुआ, ये कोरोना वायरस के वैक्सीन वगैरह नहीं निकले, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये लोगों का अनुमान है, ये जस्ट गेस कर रहे हैं कि 2020 तक ऐसा पॉसिबल है कि वैक्सीन आ जाए और लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रियों और अदर जगहों पे काम करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हुआ है, वो काफी लो कॉन्फिडेंस में है और वो किसी तरह से घर जाना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको आने वाले अगले 1.5-2 साल तक कॉन्फिडेंस भी ना आए, जब वो कोरोना वायरस से का जो संक्रमण है उससे, भले वैक्सीन भी आ जाए तब भी उनको, कई लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत खराब कंडीशन होने वाली है आने वाले समय में। इसके क्रिशिल के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं धर्म कीर्ति जोशी जी हैं, ठीक है। और अभी क्रिसिल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया को रिवाइव करने के लिए अभी लगभग 3.5 लाख करोड़ इन्फ्यूज करना चाहिए वेलफेयर फंड में, जो कि इंडिया अभी कितना किया है, 1.7 लाख करोड़ रुपीज इंडिया ने इन्फ्यूज किया है, जो कि ठीक इसका आधा है। तो अभी लगभग आधा 1.7 लाख करोड़ रुपीज और इनको देने, इन्फ्यूज करने की जरूरत है, तब जाके इंडिया एक सही स्टेज पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन टू, तो 2021 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन कर दिया गया है कौन से ईयर के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, 2024 के लिए, फॉर इनडेफिनेट टाइम और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2023, 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। 2021 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप विच हैज बीन रिशेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त टू 29 नवंबर, बिटवीन 29 नवंबर टू 5 दिसंबर विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। 2021 का जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप था उसे रीशेड्यूल कर दिया गया, जो अगस्त महीने में होना था उसको अगस्त से
आपको 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ले जाया गया है। तो ये कौन से कंट्री में होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा हेल्ड एट द कैरोलिन मेरिन स्टेडियम, आप ध्यान रखिएगा कैरोलिना मेरिन स्टेडियम में होगा, और ये जो है इन द स्पेनिश सिटी ऑफ हिले हिल्वा। ठीक है, और ये से जो 5 अगस्त को, ये अगस्त महीने में होना था, तो अगस्त से इसको शिफ्ट कर दिया गया है दिसंबर, नवंबर 29 एंड दिसंबर 5, नवंबर 29 से दिसंबर 5 के बीच में। ठीक है, ये शिफ्ट फिर रिशेड्यूल हो सकता है यदि ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ रही है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के लिए। देखिए, तो 1 जनवरी, हम लोग जनवरी महीने से देखते हैं, तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका आप लोग जानते हैं कि निधन हो गया था विदेश में, तो ये हमारे इनकी डेथ एनिवर्सरी को मनाया जाता है इंडिया में। 9 जनवरी को एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसके अलावा 15 जनवरी को आपको आर्मी डे भी मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1 to 9 फरवरी तक काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। काला घोड़ा जो फेस्टिवल है ये मुंबई में मनाया जाता है, मुंबई का फेस्टिवल है, 1 से 9 फरवरी तक। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस मनाया जाता है। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, और 10 मार्च को CISF राइजिंग डे मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और इस वीडियो इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। इस PPT का यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट हो तो हमें class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि यदि आप एवरीडे अब से इवनिंग में 9 PM रात को 9 बजे आपका मैथ्स का क्लास, मैथ्स आपका प्रीमियर होगा, तो इसे देखना ना भूलें। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आज रात 9 बजे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, दोस्तों तक शेयर करें और बताएं कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और इसको अच्छा किया जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।